से नज़ारा इसका पूरा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ जबलपुर ट्रैवलिंग में पार्ट टू में स्वागत करता हूँ। और मैं हूँ लेखू और आप देख रहे हो लेखू खुशी ब्लॉग। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं हूँ भाई ओमती में हूँ, जो कि यहाँ का सबसे हाईटेक वो वाला इलाका है, मतलब कि मार्केट वाला। यहाँ से ना अच्छी खासी मार्केट शुरू हो जाती है और ये भाई मेन सिटी वाला इलाका हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ये। तो यहाँ पे भी हम जा रहे हैं फिलहाल और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का कुछ कैसा है बैक कैमरे से। ठीक है, सामने देख सकते हो भाई ये मस्जिद है और यहाँ से ना दो रास्ते निकलते हैं जो अलग अलग जगह जाते हैं। ठीक है, एक आपको जाता है गलगला को और एक जाता है आपका मालवी चौक। ठीक है, तो हम मालवी चौक वाले रास्ते में जाएंगे और इस तरह से यहाँ का मार्केट है। आप देख सकते हो यहाँ जब ट्रैफिक लगता है ना तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है भाई। तो ये इस तरह से क्राउड है यहाँ का। अंदर जाएंगे तो मिलेगा लाइब्रेरी। चलो आज मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ जबलपुर। दोस्तों देख लो, ये है भाई लाइब्रेरी का गार्डन। गार्डन मतलब गार्डन वाला इलाका है और यहाँ पे किस तरह से ये सब बने हुए हैं। और इस तरह से ये देखो आप, बहुत पुरानी ना पानी की टंकी है। यहाँ देखो पीछे जो वो आपको बड़े सा दिख रहा है ना, वो टंकी है। दोस्तों यहाँ पे मैंने इस गार्डन में इसलिए लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि यहाँ एक अच्छी खासी लाइब्रेरी भी है, बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। तो ये लाइब्रेरी वाला है, ये ना विक्टोरिया हॉस्पिटल से जस्ट सटा हुआ है। आपको कोई भी बता देगा विक्टोरिया हॉस्पिटल तो वहाँ से आपको ये सटा हुआ, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी यहाँ पे सटा हुआ। तो यहाँ पे गार्डन का नज़ारा कुछ इस तरह से है। सभी लोग, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं, अपने अपने काम से बैठे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं, कुछ नारियल के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो कुछ नज़ारा इस तरह से है, ये देखो आप देख रहे हो, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ। ये देखो आप इतना प्यारा है ना, हरा हरा सा बिल्कुल, बहुत मज़ा आया। मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो रही भाई यहाँ पे देखने से ना, क्योंकि ऐसे गार्डन वार्डन देखने के लिए यार बहुत कम मिलते हैं। गाँव से तो हरियाली तो मिलती है, लेकिन इस तरह से देखो ये अमरूद के पेड़ लगे, यानी कि बीही कहते हैं हमारे यहाँ। ये देखो आप कितना अच्छी मस्त सजा हुआ है, ये लग मस्त लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ इस तरह से नज़ारा है। ये तो पुराने टाइम बैठने का नाम मस्त बना हुआ है। दोस्तों लाइब्रेरी के नाम इस साइड की गार्डन में आ गया, मतलब जो लेफ्ट राइट साइड का जो हिस्सा है गार्डन का, वहाँ पर हम आ गए हैं। अब क्या है उसके अदर पार्ट में जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ना एक्सरसाइज की बहुत सारी मशीन भी लगी हुई है, अगर आप एक्सरसाइज के शौकीन हैं तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतने झूला वूला लगे हुए ना, इस तरह मज़ा ले सकते हो आप। मतलब यहाँ पे बुज़ुर्गों का भी अच्छा खासा है, तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो। और कह रहे हो ना उस साइड, ये वाली जो बिल्डिंग है ये भाई लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, जो बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग है। और ये दोस्तों अब मैं आ गया हूँ भाई लाइब्रेरी वाले साइड में, क्योंकि गार्डन से निकल के मैं लाइब्रेरी में आ गया हूँ। पर लाइब्रेरी के अंदर नहीं जाऊंगा, मैंने आपको बाहर बाहर से सब दिखाना है, क्योंकि लाइब्रेरी बंद हो चुकी है, 5 बज चुके हैं। तो लाइब्रेरी बंद हो जाती है 5 बजे तक का, तो आपको बाहर से दिखाऊंगा। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, इसका बिल्डिंग देखो ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और लाइब्रेरी का पूरा नाम भी बताऊँगा, ठीक है, ताकि आप गूगल में सर्च भी करो ना तो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले आपको इसकी बिल्डिंग दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा बिल्डिंग है ना, मतलब पुरानी स्टाइल में बना हुआ है सब कुछ। ये देखो मस्त पीछे टंकी वंकी है और इस तरह से बिल्डिंग है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट भी बैठे हैं, कुछ कर्मचारी बैठे हैं। ये देखो महात्मा गांधी की मूर्ति है वो वहाँ पे, दिख रही है आपको, ये देख लो आप, ये महात्मा गांधी की मूर्ति है यहाँ पे लगी हुई है। इस तरह का नज़ारा है यहाँ से लाइब्रेरी का। ये देखो आप, महात्मा गांधी भवन नाम है भाई इसका, गांधी भवन के नाम से जाना जाता है ये भवन जो है, और इसे महात्मा गांधी लाइब्रेरी भी कहते हैं इस तरह से। ये चलो पीछे जो नज़ारा आपको देख रहे हो ना, वो लाइब्रेरी का है। और किस तरह से ये चल रहा है अभी, क्या है कोरोना के टाइम से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा क्या। दोस्तों आपको ये नज़ारा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, ये बिल्डिंग कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और इसके अलावा देखो ना बहुत अमेजिंग चीज़ें बनी हुई हैं। देखो यहाँ पे एक शेर है और शेर के मुंह से किस तरह से निकाला गया, मतलब एक घिसल पट्टी बनी है बच्चों को खेलने मिलने के लिए। तो ये जो है ना, ये भी मुझे बहुत पसंद अच्छा लगा। अब आता भी था, पढ़ने वढ़ने आया हूँ जब मैं यहाँ कॉलेज किया करता था, तो अब ये सब चीज़ें चली गई। कोरोना के टाइम ये बंद हो गया था, लेकिन अब ये बंद नहीं है, अब ये चालू हो गया है, 1-2 साल तक ये बंद रहा। तो इस तरह से जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत नज़ारा है गांधी भवन का, और इसके अंदर है लाइब्रेरी।
पे देख लो भाई कितना अच्छा फवारा बनाया गया है। एक्चुअली चालू नहीं है लेकिन फवारा, लेकिन कितना मस्त है ना, मतलब देखो पुराने सब पुराने स्टाइल में, क्योंकि बिल्डिंग भी बहुत पुराने स्टाइल में है। और यहाँ पे गांधी जी की ना वो डंडी यात्रा वाला सीन वाला देखो मूर्ति है, अहिंसा परमो धर्मा वगैरह लिखा हुआ है। तो कैसे इस तरह से ये है भाई गांधी जी की मूर्ति दिख नहीं रही है काली। दोस्तों ये था कुछ लाइब्रेरी का नज़ारा, और यहाँ से मैं आपकी बिल्डिंग बिल्कुल फ्रंट में दिखती है, तो बिल्डिंग आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रंट में कैसी दिख रही है बिल्डिंग, लाइट आ रहा है ना, बहुत खूबसूरत दिख रही है। यहाँ से हम निकल गए और अभी हमें क्या है ना, विक्टोरिया हॉस्पिटल के भी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन फ्री हाल यार शाम का टाइम हो गया तो मैं वहाँ पे जाना तो सही नहीं समझता और जाने का मन भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं जाते। अब जाते हैं हम यहाँ के फेवरेट मॉल को देखते हैं, ठीक है। मॉल दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ का एक ही मॉल है जो बहुत बड़ा मॉल है, बाकी सब बिग बाज़ार हैं वगैरह हैं, लेकिन वो नहीं जाते, अभी मॉल जाते हैं। तो दोस्तों बहुत सारा घूमे यार, बहुत सारे लोग मिलते हैं यार, बहुत सारी ढेर सारी बातें करते हैं ना, और इतनी सारी बातें करती है कि उसके टाइम ही नहीं रहता मेरे साथ बातें करने का। और फ्री हाल में यहाँ से निकल गया हूँ, अब मैं जाऊँगा भाई ना मॉल जाऊँगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉल जाना मुझे, तो चलो मॉल का नज़ारा भी दिखा देते हैं। इसमें पार्ट टू में आपको मॉल दिखाऊँगा पूरा मैं, ठीक है, इसके पार्ट थर्ड में कुछ और दिखाऊँगी आपको। इस तरह से लगातार चलते जाएगा अभी सीरीज, जितनी 4-5 वीडियो तो आ ही जाएंगी, ठीक है, इसमें आपका तो आपको जरूर देखना उसे, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरे को मेरे ब्लॉग मेरे ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बच बच के चलना पड़ रहा है यार, कैसा लग रहा है ना कोई मोबाइल ना चला के चला जाए, क्योंकि ये इतने भीड़ वाला इलाका है ना कि यहाँ पे डर भी होना ताजिब है भाई, लाजमी होता है कि डर तो लगेगा ही आपको, तो इस तरह से है। और अभी मैं कितना आवाज़ क्लियर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है वो तो आप खुद ही बताना मुझे। तो इस तरह से अभी मैं चलते जा रहा हूँ, अभी मालवीय चौक पहुँचते हैं, इसके बाद आपको वो मॉल दिखाते हैं, ठीक है। भूख भी लग गई तो मैं सोचा कुछ खाने पीने की सोच रहा हूँ, कुछ खा पी लूँगा, ठीक है। मैं मोबाइल दुकान में आया था और यहाँ पे मुझे कुछ काम था ना, मेरे चार्जर का लीड ख़राब हो गया था, तो उसे मैंने परचेस किया है। अब आगे चलते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ यार बहुत महंगा लीड मिला यार, मतलब इतना सड़ा सा लीड इतना महंगा कैसे मिल सकता है, 100 रुपये का दिए इसमें, पर चलो चलते हैं, मजबूरी है भाई, अभी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आ गया भाई मालवीय चौक के, मालवीय चौक के पास पहुँचने वाला हूँ, और आपको मैं फिर से एक दिखाने वाला हूँ अंग्रेज़ों के ज़माने की एक बिल्डिंग। यार जबलपुर में ना बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जो अंग्रेज़ों के टाइम बनी है, यूरोपियन शैली में बनी है, तो भाई उसी बिल्डिंग के अपने पास पहुंच गया, तो चलो बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। ये एक्चुअली एक स्कूल है और ये बिल्डिंग ना अंग्रेज़ों के ज़माने की है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख लो, ये जो बिल्डिंग है ना भाई, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग है, ये देखो आप, पूरा यूरोपियन शैली में बना हुआ है, और ये एक स्कूल है ये जो कि ना मालवीय चौक के पास में ही स्थित है, बना हुआ है देखो ये, बिकॉज इसमें ना काम किया जा रहा है और बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, पहले ये गेटेड नहीं बना था, अब ये गेट बनाया जा रहा है। दोस्तों मुझे लगी थी भाई बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने अपनी पेट पूजा किया, डोसा खाया एक, और इसके सामने जो मैं भाई समदड़िया मॉल के पीछे खड़ा हूँ, सामने मतलब मेरे सामने समदड़िया मॉल की बिल्डिंग है, तो चलो मॉल को देखते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद इसी को देखते हुए भाई फ्रेंडों के रूम की ओर चलेंगे, क्योंकि आज वहीं रात रुकना है, ठीक है, चलो दिखाता हूँ आपको मैं बिल्डिंग, देख रहे ना पीली सफ़ेद बिल्डिंग, ये है भाई समदड़िया मॉल, पीछे का हिस्सा है, सामने से आपको दिखाता हूँ मैं। यार बात करते करते ना, एक तो रोड क्रॉस करना या रोड में चलना शहरों में बहुत प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि ये खाली होती नहीं, पता नहीं कब कौन सी गाड़ी कहाँ से आके ठोंक दे, तो मतलब भरोसा नहीं रहता, तो थोड़ा सा ना ध्यान रख के चलना पड़ता है। अभी हूँ भाई मैं ना मालवीय चौक से अंदर आ गया हूँ, यानी कि सिविक सेंटर में होती है, ठीक है, सिविक सेंटर और सिविल लाइन दोनों अलग अलग है, अभी हम सिविक सेंटर में, और मेरे जो सामने इस साइड जो है समदड़िया मॉल है, ठीक है, अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊँ तो ये देखो जो बिल्डिंग है ना समदड़िया मॉल की बिल्डिंग है, ये पूरी पूरी ये मॉल की बिल्डिंग है यहाँ से, तो चलो इसके अंदर चलते हैं, इसके बाद देखते हैं। वैसे मॉल में तो ब्लॉगिंग वगैरह अलाउ रहता है, और इसी इलाके का आसपास देखो मार्केट कुछ किस तरह से रहता है। क्या है मैं अभी बहुत सारी ब्लॉगिंग करता है, लेकिन हो प्रॉब्लम ये है कि रात हो रही है, और रात में ना क्या है मेरे में नाइट मोड नहीं है कैमरे में, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इतना अच्छा क्लियर नहीं आएगा, तो कौन सा वीडियो ख़राब करें, अच्छा जितना हो रहा है उंझेले में जितना बन रहा है ना उतना बना लेते हैं, तो दिखा देते हैं जितना देख सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। तो अब हम आ गए ये पीछे का ये सामने का हिस्सा है समदड़िया मॉल का, और हम आ गए हैं अभी सामने, तो चलो मॉल में घुसते हैं, पहले अपने बाहर से ना मॉल का नज़ारा दिखा देता हूँ।
भाई ये इकलौता बहुत बड़ा मॉल है यहाँ का जबलपुर का, इससे ज़्यादा मॉल नहीं था, ठीक है मॉल है ही नहीं, दूसरे इतने बड़ा मॉल, इतना बड़ा मॉल है नहीं, ये सबसे बड़ा मॉल है। तो चलो सबसे पहले हम समदड़िया के अंदर चलते हैं, घूमते हैं, दिखाते हैं। तो देख लो गाइस ये है भाई पूरा, और ये यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, और इससे ना हम अंदर जाएंगे। तो चलो अंदर चलते हैं भाई। इतनी सारी सिक्योरिटी यहाँ पे, देखो सुरक्षा का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है। मॉल का नज़ारा कुछ इस तरह से अंदर आने के बाद, दोस्तों मैं आ गया हूँ मॉल के अंदर और आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। तो चलो देखते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले तो भाई साइड देखते हैं, ये वाला पूरे ना शूज़ वाला कलेक्शन है बहुत सारे जैसे इस तरह से। और अभी हम लिफ्ट की मदद से ना ऊपर जाएंगे तब आपको दिखाएंगे यहाँ का। यार ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ तक है, तो फर्स्ट फ्लोर में नज़ारा कुछ इस तरह से है यहाँ का कलेक्शन का। बैक कैमरे से दिखाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। चल दी है सीढ़ी में, वैसे यार कैमरा संभालते में गिरते गिरते बस गए हैं, बहुत वो रहता है, मतलब आप कैमरा संभालोगे कि ये करोगे समझ में नहीं आता ना। चलो भाई तो अपना गंतव्य में हम पहुँच गए, ऊपर आ गए हैं इस तरह से, ऊपर आ गए हैं ऊपर आ गया। यहाँ पे ना किस ये वाला पूरा लेडीज वाला सेक्शन दिख गया, तो लड़कियों मतलब महिलाओं के आइटम सामान इस तरह से यहाँ पे है। तुम खुद का सा देखो ना जा रहा है इस तरह से नज़ारा है यहाँ पे सेक्शन का। भाई मॉल में ना कुछ बहुत ही कुछ अलग होती है यार, देखो अब मतलब क्या मस्त मस्त लग रहा है यहाँ पे, तो अजीब अजीब से सिंबल्स बने हैं भाई। अंदर भी जाके दिखाने का मन करता है पर पता नहीं बालकनी अंदर किसने पहना क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो नज़ारा यहाँ पे कलेक्शन है, पूरी लेडीज़ कलेक्शन है जहाँ तक है। अंदर वीडियो बनाने की सोच रहा था पर गार्ड ने मना कर दिया, मना कर रहा है वीडियो बनाने के लिए। अब और ऊपर चलते हैं, ठीक है ऊपर वाले मंजिल में दिखाते हैं और क्या क्या है। लगातार ऊपर आते जा रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको तो इस तरह भी बहुत लगता है ज़्यादा के। तो ये वाला ना पूरा ये जोन ही कुछ अलग ही जोन है इस तरह से, यहाँ है इस जोन में। ये भाई आप देख लो इस तरह से ये मॉल में है, कलेक्शन तो गजब के हैं यार यहाँ के। अंदर देखो अंदर अंदर नहीं जाना पर अंदर से देखो कलेक्शन मस्त है, कलेक्शन है यहाँ पे भी देखो। ये वाला जो पार्ट है ना वो रेस्टोरेंट है जैसा पार्ट था, और यहाँ पे और खासियत ही है देखो सारे गेम्स वगैरह खेलने की व्यवस्था है। देखो ये जैसे गेम्स हैं और ये यहाँ पे ये देखो यहाँ पे पूरे गेम वगैरह भाई। तो अगर गेम खेलना चाहते हो ना तो ये देखो मस्त हैं, आप बैठ के गेम खेल सकते हो यहाँ पे। जो इसका चार्ज होगा ना वो चार्ज आप देकर गेम खेल सकते हो। तो इस तरह से तो बच्चों के यहाँ तो कंप्लीट यार मस्त बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखो गेमिंग जोन करके लिखा हुआ पूरा ये यहाँ पे। फिर यहाँ पे खाने पीने के हिसाब से अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हैं, किसी के साथ भी आ सकते हैं फैमिली वगैरह। ये वाला पार्ट ना पूरा गेमिंग से है ना, बच्चों से रिलेटेड और दोस्तों से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको आपको यहाँ मज़ा बहुत आएगा देखोगे आपको। और यहाँ पे कुछ और है यहाँ पे क्या है सॉबी से भाई यहाँ पे ना, मतलब आप वीडियो फिल्में भी आके देख सकते हो, अभी जो फिल्में चल रही हैं सब ये सब देखो उसकी ये सब लिख इस तरह से यहाँ पे। दोस्तों ये सब चीज़ें यहाँ पे लगभग 4 से 5 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं यहाँ पे। मैंने आपको सभी फ्लोर दिखा दिए हैं, सभी फ्लोर को मैंने दिखाया है, एक्सप्लेन किया, दिखाया यहाँ पे क्या क्या है। तो इस तरह से भाई समदड़िया मॉल का नज़ारा। अब चलो नीचे चलते हैं, और नीचे जाने के लिए भाई हमें ये करना है यहाँ से, ठीक है चलो नीचे चलते हैं। दोस्तों मैं जाने लगा हूँ नीचे, क्योंकि अब लगातार हम नीचे जाएंगे और आपको दिखाते हैं सामने नज़ारा नीचे से कैसा दिखता है। भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही हो ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। यार बहुत मेहनत लगती है, देखो गिरते गिरते बसे अभी मैं वीडियो जब तक करना, प्लीज़ कर देना यार। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया भाई समदड़िया मॉल का नज़ारा, जितना मैं जहाँ जहाँ जा सकता था मैं वहाँ वहाँ जा रहा हूँ।
और अभी फिर यार मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से, तो एग्जिट गेट पीछे से है, देखो वही चीज़ की हम तुम्हें बता रहे हैं ना, ये एग्जिट गेट है, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से, अब मैं जा रहा हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है। अब मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, किसी और नई जानकारी के साथ, किसी और नई जगह में, तो बने रहें। अभी जबलपुर ख़त्म नहीं हो रहा, जबलपुर की सीरीज, ठीक है, नेक्स्ट आने वाला है तो उसे भी जरूर देखना, और पिछला वाला नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। ये एग्ज़िट देखो, इस तरह से यहाँ से एग्ज़िट होने के, तो ये एग्ज़िट करते समय जो यहाँ का नज़ारा दिख रहा है वो जैसे इस तरह से है, अब देख लो। पूरी तरह से एग्ज़िट हो चुका हूँ और हो चुकी है भाई रात, ठीक है। तो अब ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए आपसे मिलते हैं कल किसी और न्यू ब्लॉग में, न्यू जानकारी। जैसे रात के टाइम देखो कितना मस्त दिखने लगा है ना, मन तो अभी नहीं कर रहा है यार कि ये वीडियो समाप्त करूं, लेकिन क्या है ना, समाप्त करना पड़ेगा और कहीं और चलते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं, उसके बाद कल आएंगे तो कल आपको दिखाएंगे पूरा यहाँ का नज़ारा।